सच्चाई की तलाश में घूम रहा था कि वो कौन था और क्यों उसने मेरा क्रोस उठाया। लेकिन इन सब बातों में कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन एक सच्चाई है कि मेरी वजह से किसी बेगुनाह को मौत की सजा मिली है। ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो तुम? खुद रोम के राज्यपाल ने तुम्हें मौत की सजा से मुक्त किया है। बराबर सब तुम आजाद हो, तुम्हें एक नया जीवन मिला है। एक नया जीवन? नया जीवन? ये जीवन मेरे लिए व्यर्थ है। जिस क्रूज पर बरब्बस को चढ़ाया जाना था, कल उसी क्रूज पर बेगुनाह यीशु को चढ़ाया गया था। इसी जीवन की वजह से एक बेगुनाह को मौत की सजा मिली है। इसी जीवन की वजह से हमने तो अपने हाथ धो लिए बराबर। इसकी मौत के जिम्मेदार हम नहीं, तुम। एक तरफ कत्ल का गुनहगार शराब की तलाश में घूम रहा है, तो दूसरी तरफ एक बेगुनाह उसी की जगह मौत को भूल रहा है। हाँ मैं गुनहगार हूँ यीशु, मैं तेरा गुनहगार हूँ। तूने मेरे लिए कोड़े खाए, मेरे क्रूस को उठाया, जो कील मुझे जल्दी करने थे वो तेरे हाथों में कर गए, जो दर्द मुझे झेलने थे वो तूने सहे यीशु। मैं गुनहगार हूँ मसीहा, मैं तेरा गुनहगार हूँ, मैं गुनहगार हूँ। बराबर्स, यकीन नहीं होता, मुझे पूरा यकीन है कि तुम तीसरे दिन मृतकों में से जी उठोगे। धन्य है वे जो मुझे बिना देखे यकीन करते हैं। तुम क्यों अपने आप को जिम्मेदार समझ रहे हो? ये तो मेरे पिता की मर्जी थी कि मैं इंसान बनकर धरती पर आऊं और इस जहां के पापों का बोझ उठाऊं। सिर्फ मुझसे होकर मेरे पिता तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, और ये मेरा वादा है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मसीहा,
कल तक मैं एक विद्रोही था, उग्रवादी था, एक खूनी था। कल तक मैं अपने बाजुओं के जोर पर एक नए साम्राज्य का सपना देख रहा था। कल तक मैं कुछ और था, लेकिन आज कुछ और हूं। आज मुझे एक नया साम्राज्य मिल गया है, जहां प्यार, विश्वास, अमन और रहम ही सब कुछ है। यही क्रूस इस नए साम्राज्य की निशानी है और इसी ने मुझे नया जीवन दिया है। हां, मैं फिर जन्मा हूं।